हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे स्मार्ट और कॉन्फिडेंट बने और इसके लिए हम उन्हें एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव क्लास भेजने के लिए रेडी रहते हैं, पर आप घर पर ही कुछ छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखकर उन्हें स्मार्ट और कॉन्फिडेंट बना सकते हैं। आई एम गोइंग टू शेयर 5 एब्सोल्युटली फ्री टिप्स ऑन हाउ यू कैन मेक योर चाइल्ड स्मार्ट एंड कॉन्फिडेंट। आई एम ऑल्सो गोइंग टू शेयर सम ब्रेन पावर बूस्टर एक्टिविटीज इन दिस वीडियो, सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। My name is Trilekha and you're watching Lottolearn. Before I start, I want you to subscribe to my channel and hit the bell icon. The very first step in making your child confident and smart is let them explore the world. जब आप किसी शॉप पे चिप्स या चॉकलेट लेने के लिए रुकते हैं तो आप अपने बच्चे को पैसे दीजिए और उससे कहिए कि वो जाकर सामान लाए। आप दूर खड़े होकर उस पर नजर रखिए। अब हो सकता है शॉपकीपर बिजी हो और बच्चे की आवाज उस तक ना पहुंच पा रही हो। ऐसी सिचुएशन में वो आपके ओर देखेगा बड़े ही हेल्पलेस एक्सप्रेशंस के साथ। तो आपको करना ये है, आप उससे कहिए कि उन्हें एक्सक्यूज मी कर जोर से बुलाए और उसे तब तक आवाज देने दीजिए जब तक शॉपकीपर सुन न ले। ऐसा करने से उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और जितना वो नए लोगों से बात करेंगे वो स्मार्ट हो जाएंगे। ऐसा आप 4 या 5 साल की उम्र से ही शुरू कर सकते हैं। बच्चों को बिजी करना अच्छा है, पर इतना भी नहीं कि उन्हें फ्री टाइम ही ना मिले अपने बचपन को एंजॉय करने का। आर्ट क्लास भी है, डांस क्लास भी है, स्विमिंग क्लास भी है। अगर वो सारी क्लासेस जाएंगे तो उन्हें कब टाइम मिलेगा ये जानने का कि उन्हें फ्री टाइम में क्या करना अच्छा लगता है। हमें उन्हें भी तो मौका देना है कि वो ये जान पाए कि जब वो फ्री होते हैं तो उन्हें क्या अच्छा लगता है। इसके लिए आप उन्हें अलग अलग ऑप्शंस दे सकते हैं और उन्हें चूज करने दीजिए कि वो क्या करना चाहते हैं। मुझे कौन सा अपने बच्चे को साइंटिस्ट बनाना है जो मैं उसे साइंस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कराऊं। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो अब जरा गौर से सुनिए। हम कोई नहीं होते ये डिसाइड करने वाले कि वो क्या बनेंगे। हमारा काम है हम उन्हें राह दिखाएं, उन्हें प्रोत्साहित करें, उनका आत्मविश्वास बढ़ाएं। बढ़ती उम्र में उन्हें हर एक चीज का एक्सपीरियंस करने देना चाहिए। कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने से वो हारना, जीतना और रिस्क लेना सीखते हैं। अब अगर किसी बर्थडे पार्टी का इन्विटेशन है और आपको नहीं बुलाया गया, सिर्फ बच्चे को इन्वाइट किया गया है, तो आपको जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप सेफ्टी को लेकर कंसर्न है तो आप जहां बर्थडे पार्टी है वहां बाहर खड़े होकर वेट कर सकते हैं। उन्हें अकेले जाने दीजिए, उन्हें छोटी छोटी प्रॉब्लम से निपटने दीजिए। अगर आपने उन्हें किसी एक्टिविटी क्लास में डाला है तो हर समय आपको वहां बने रहने की जरूरत नहीं है, दूर से नजर रखना काफी है। ऐसा करने से उनमें अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करने की कैपेसिटी डेवलप होती है। अपना बैग जमाना, घर के बाहर पड़े न्यूज़पेपर को अंदर लाना या फिर अपने खेले हुए टॉयज को उठाना, इन सब कामों को उन्हें करने दीजिए। ऐसा करने से उनके अंदर आत्मविश्वास के साथ साथ उन्हें यह भी एहसास होता है कि वह घर का अहम हिस्सा है। कुछ काम उन्हें खुद करने दें, थोड़ा टाइम लगेगा पर वो सेल्फ डिपेंड हो जाएंगे। अगर बच्चों को कॉन्फिडेंट बनाना है तो उन्हें डिसिप्लिन और मैनर्स भी सिखाना पड़ेगा। अगर आप मैनर्स पे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यहाँ दिए गए लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। आई हैव प्रॉमिस्ड यू दैट आई एम गोइंग टू शेयर सम ब्रेन पावर बूस्टर एक्टिविटीज, सो हियर आर सम एक्टिविटीज विच यू कैन ट्राई फॉर योर चाइल्ड इफ ही और शी इज 5 एंड अबव। द फर्स्ट वन इज प्रिटी सिंपल वुडन ब्लॉक गेम जेंगा, वेयर यू नीड टू स्टैक अप स्टोरीज टू मेक टावर यूजिंग वन हैंड। It helps to increase focus. Rubik's Cube is something even we enjoy solving. These days there are workshops being organized, but with practice you can do it at home. All those pictures where kids need to join dot to dot to make them helps to increase their concentration. That's it for today. Thanks for watching. If you like this video, do let me know by commenting in the comment box.